करंटली वी हैव 6 व्हीकल्स, उसमें से 4 का नंबर 0042 है। मतलब मैं तो बल्कि ये करता हूँ कि मतलब नंबर्स पता करता हूँ कि कब 0042 नंबर निकल रहा है और फिर गाड़ी खरीद लेते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति जैन सिंह, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रशांत जैन सर उर्फ पीजे सर। आज मैं उनके घर आ गई हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा डे इन द लाइफ और आई कैन से कैसा पूरा दिन रहता है प्रशांत जैन सर का। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे ही स्टेज एट होम एंड उनके मम्मा से, और सबसे हम बातें भी जरूर करने वाले हैं। तो मैं आ गई हूँ सर के घर के गेट पे, अब अंदर जाते हैं और देखते हैं सर कैसे रहते हैं। तो अब मैं एंटर कर रही हूँ सर के घर पे। मैम कैन आई कम इन? आज हम प्रशांत सर को देखना चाहते हैं कि वो घर पे कैसे रहते हैं, है ना, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या करते हैं एज अ सन, वो आपके घर पे कैसे हैं। तो सर के पास हम ले चलेंगे आप हमें। चलिए आप। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि प्रशांत सर घर पे कैसे रहते हैं एज अ सन, वो आपके साथ कैसे रहते हैं पूरे दिन भर में? वो बहुत अच्छे सादा तरीके से वो रहते हैं, सिंपल लिविंग है उसका, न कोई एटीट्यूड है उसके पास। जब उसका रिजल्ट आया था, जब बहुत ही अच्छा लगा था, और हमें ये मतलब आई प्राउड इट टू प्रशांत। या बिल्कुल मैम, ये तो सब हम जानते हैं दैट AIR 42 सर का आया है, वो काफ़ी प्राउड फीलिंग रहा होगा जब रिजल्ट आया होगा, तो आपको काफ़ी खुशी हुई होगी। यस। एंड उसके अलावा सर कैसे हैं, लाइक नोटोरियस हैं या फिर मतलब मस्ती करते हैं, या फिर उसके अलावा बहुत सिंसियर हैं घर पे? कैसे सिंसियर भी है, मस्ती कर रही है, सब उसी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो नहीं करता। तो सर के साथ अब अंदर चलते हैं, देखते हैं सर क्या कर रहे हैं। ओके, सो He's reading. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. How are you? I am very good. I hope we are not disturbing you. No. So, what you were doing, sir? Like I was reading Shiva trilogy. Okay. So, like morning time पे मैं थोड़ा सा mythological books पढ़ता हूँ. Okay, nice. So, can I see that book? Yeah. Okay, Shiva trilogy. And sir, इसके अलावा आपने कौन-सी books पढ़ रखी हैं? Sir, reading आप daily on the daily basis करते हैं? हाँ. मतलब morning. So, ये आपका morning routine? Morning ritual है मेरा ये. This is my morning ritual. Okay, so sir starts his day with, you know, reading a book. Correct. So like these are like some of my books. ये यहाँ पे पढ़ी है. Okay. So this I have read, Sita, and this is I have written. So this book I have written. Oh, this is the book you have written. Yeah. Climbing up the ladder, journey of not so gifted boy to J top 50. So this is the book which has been written by sir itself. Yeah. So nice, sir. Nice. और सर इसके अलावा आपने कौन सी बुक्स पढ़ रखी है, और लाइक लर्नर्स को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? लर्नर्स को देखो अभी तो मतलब मेरे हिसाब से रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो होनी चाहिए लर्नर्स को, इंजीनियर्स को, और मेरे हिसाब से अभी तो कोर्स की किताबें पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके मेंटर्स आप लोगों को बोले। बाकी मेरा जो बुक कलेक्शन है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल हम देखना चाहेंगे सर का बुक कलेक्शन। हम किधर जा रहे हैं सर फिलहाल अभी? बिल्कुल हम चल रहे हैं मेरे स्टूडियो में, जहाँ से मैं अनअकैडमी की क्लासेस भी लेता हूँ। अच्छा, ओके। सो सर आप वहाँ पे अनअकैडमी की क्लासेस भी लेते हैं, प्लस वहीं पे सर की बुक्स? मतलब हाँ, अनअकैडमी की जो ऑनलाइन क्लासेस है, आई टेक दोज ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम। ओके, सो दिस इज द स्टूडियो। चलते हैं, दिस इज द स्टूडियो, सर का स्टूडियो। ओके, या सो दिस इज द स्टूडियो। और ये गिटार वगैरह सब है, मतलब मैं सीखना चाहता हूँ बट अभी सीख नहीं पाया, कोविड में मैंने लिया था। अच्छा, बट आई कुड नॉट गेट द टाइम, लर्नर से इतना इंटरेक्ट करते हैं कि, तो दिस इज बेसिकली माई बुक कलेक्शन, तो थोड़ा सा अनअरेंज्ड है, बट स्टिल नाइस सर। हाँ, तो ये सच अ ग्रेट। हाँ, तो इसमें ये जो ऊपर जो फाइल्स पड़ी है ना यहाँ पे, हाँ जी, ये जो फाइल्स हैं ये बेसिकली वो फाइल्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी, ये सारे उसमें स्टडी मटेरियल, एंड दीज आर द बुक्स जो मुझे पढ़नी है। अच्छा। ठीक है, इसमें माइथोलॉजी भी है, फिर उसके अलावा नॉन फिक्शन है कि मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ सम पीपल, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, तो सर आपने जब से मतलब पढ़ाई करी थी, आपने खुद ने वो मटेरियल भी अभी तक आपके पास रखा? हाँ, है। हाँ, वही तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं
बेसिकली ये हमेशा सोचता हूँ कि जो मैंने किया था ना वो बहुत सही था, तभी तो मेरी टॉप 50 में रैंक आई. Exactly. तो वो चीजें मैं प्रिजर्व करके रखता हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं. एंड दिस इज हाउ यू रियली वांट टू यू नो टेल द लर्नर्स कि ऐसे दे शुड आल्सो डू एंड दे शुड आल्सो रियली फॉलो यू सो दैट उनकी भी ऐसी रैंक आ सके एंड दे कुड आल्सो रियली एस इट राइट. सो इसके अलावा और कुछ आप दिखाना चाहेंगे एज इन? बिल्कुल, ये मेरा मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ. सो दिस इज माय गॉड. So this is my trophy collection. So many collection. Trophies. हाँ. So देख लो कितनी सारी trophies हैं ना, you know. हाँ. So I play like it has cricket trophies, then badminton trophies, tennis trophies, table tennis trophies. तो ये चार games basically मैं खेलता हूँ यहाँ पे. Okay. Nice. And so इसके अलावा वो cricket का भी काफी शौक. Like this is this was provided by an academy. This is an academy. To all the educators. The educators. Wow. So this is the iconic trophy, basically. So great. Yeah. इतनी सारी trophies हैं सर के पास, इतने सारे achievements हैं, इतनी अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की है. At the same time, he's so humble. सर अभी ना मैं आपकी मम्मा से भी बात करती आ रही थी, तो she was also saying कि he's very notorious, he's very humble, he's very peace at the same time. So how can you manage so multi personalities at the same time? मतलब अब ये चीज़ है कि मैंने हमेशा ये चीज़ सोची लाइफ में कि यार जो चीज़ आती जा रही है ना उसको करते जाओ. जैसे अभी कभी लगा कि यार अभी पढ़ाई करना है, सबसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो बाकी सब मस्ती छोड़ दी, फिर पढ़ाई की. बेसिक लेवल पे बचपन से तो सभी मस्ती खोर होते हैं. ट्रू. मगर जब सीरियस होना होता है तब सीरियस हो जाते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट विच आई थिंक अबाउट माई सेल्फ इज आई एम हाईली कॉम्पिटिटिव. तो अगर मैं कुछ भी चीज़ करता हूँ ना, आई डू इट विद फुल इंटेंट, फुल कन्विक्शन. And that is how I get the results. So great. Again, a good learning for the learner. सुबह सुबह इतनी अच्छी बात हमने सुनने को मिली. Okay, sir. So after this, what is your schedule? अब आप क्या करते हैं इसके बाद से? मैं इसके बाद बस book reading करने के बाद अपने gym के लिए ready होता हूँ. And then I'll go to the gym. अच्छा, तो सर ऐसा if you don't mind, क्या अभी आप अपनी book reading खत्म करके जब तक हम फिर चल सकते हैं उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल. मैं अभी book reading खत्म कर लेता हूँ. Then I'll just get dressed up for that. And then we can move. Sure, sure, sir. तो जब तक अभी we'll be waiting outside and तब तक आप तो सर तो कर रहे हैं अभी अपने आप को रेडी जिम के लिए. एंड मैं तब तक के लिए जब तक वेट कर रही थी उनका, मैं ना उनके सर की बचपन की फोटोज देखने लग गई हूँ कि सर बचपन में कैसे दिखते थे, कैसा उनका बचपन था. सर आप रेडी? बिल्कुल मैम, आई एम एब्सोल्युटली रेडी. चल सकते हैं जिम? बिल्कुल. ओके सर. सो मैंने ना सर आपकी सारी फोटोज भी देख ली है बचपन की. अब हम देखते हैं कि हम आज जिम में कैसे लगते हैं. बिल्कुल, चलिए. ओके, थैंक यू. तो अब हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जिम. अब हम देखेंगे सर को जिम में कि सर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं एंड वो कैसे हेल्दी रहते हैं. सर आई कैन सी वन थिंग कि यहाँ पे ये सारी गाड़ी आपकी सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी गाड़ी हमारी है सर. ये सब पे 42 नंबर Q0042 इज देयर एनी सर आपकी AIR भी 42 तो इज देयर एनी रिलेशन विद? यस यस, दिस इज द एक्चुअल रिलेशन. हम लोग जब भी गाड़ी लेते हैं तो हम लोग की जॉइंट फैमिली है. अच्छा. सो वी हैव मल्टीपल व्हीकल्स, दिस इज व्हाई. मतलब पापा की है, मेरी बहन की है, फिर मेरी गाड़ी है, भैया की गाड़ी है, घर पे एक गाड़ी रहती है जो बच्चों को लेने ले जाने के लिए होती है. तो सबका नंबर हम लोग ट्राई करते हैं 0042 है. सो मतलब अभी तक हम लोगों ने 7 गाड़ियों का नंबर 0042 ले रखा है, फिर कुछ गाड़ियाँ बेच दी. अच्छा. तो वो नंबर भी चला गया साथ में. करंटली वी हैव 6 व्हीकल्स, उसमें से 4 का नंबर 0042 है. So this is so amazing to know sir, like aapne apne gaadi ka number, I can say a typical maths teacher love for numbers and the patterns, kaise unhone AIR 42 apni jo rank hai usi se apni gaadiyon ka number match karwa rakha hai. To sir iske aage bhi kuch plan hai? Jab ab aap kitni bhi gaadiyan lenge to kya aapko sabko yes yes number, matlab main to balki ye karta hu ki मतलब नंबर्स पता करता हूँ कि कब 0042 नंबर निकल रहा है और फिर गाड़ी खरीद लेते हैं हम लोग. अरे वाह, ये भी अलग पैटर्न है सर का, दैट ही नोज 42 एंड देन ही गेट्स द कार. अनदर पीस सर वी हैव यू नो फाउंड राइट नाउ. करेक्ट. तो चलो एक किसी भी 42 नंबर वाली गाड़ी में ही चलते हैं हम सब. बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मेरी हैरियर गाड़ी में चलते हैं. ओके सर. तो सर अभी हम चल रहे हैं जिम. तो जिम आपका कितना दूर है सर अभी यहाँ से? बस पास में ही है और अभी बस एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे. तो डेली रूटीन के अंदर मतलब अभी सुबह सुबह बस बादाम खा के जाता हूँ मैं, तो बादाम से अच्छी एनर्जी रहती है और अच्छी मेमोरी रहती है. Okay. और ये एक मेरी हैबिट है जो मैंने प्रिपरेशन के टाइम से रख रखी है. अच्छा. लाइक आई ईट आलमंड्स इन द मॉर्निंग. ओके, एक और टिप टू बी हेल्दी जो पीजे सर हमें दे रहे हैं. राइट. बिल्कुल, टू बी हेल्दी ईट आलमंड्स. ईट आलमंड्स, करेक्ट. So, okay. हाँ, और बाकी मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हेल्दी माइंड लिव्स इन दी हेल्दी बॉडी.
तो सारे जो एस्पिरेंट्स है ना उन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, चाहे योगा हो राइट, या फिर अगर किसी को फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो टेक टाइम आउट ऑफ योर रूटीन। मतलब मोबाइल में गेम खेलने से बहुत बेटर होता है मतलब बाहर जाके एक्टिविटीज करना, राइट, आउटडोर गेम्स खेलना, करेक्ट, सो दैट दे कैन रियली बिकम हेल्दी। करेक्ट करेक्ट, पढ़ाई के साथ साथ हेल्दी बॉडी इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो सर अब हम हेल्दी बॉडी देखते हैं कैसे सर अपने बनाते हैं। यस वी हैव रीच्ड, यस वी हैव रीच्ड, ओके सर। इतनी सारी एक्सरसाइजेस की आपने, इतनी सारी जिमिंग की, तो अब इसके बाद एनर्जी से लग रहा है या फिर थकान हुई है सर? मतलब ये एक एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो अभी तो एनर्जी दी है, एनर्जी लगाई है, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, अब गढ़ जाएंगे और थोड़ी प्रोटीन वाली डाइट जो होती है वो लूँगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके नहा धो के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस। ओके, तो हेल्दी डाइट, वैसे तो आपने आमंड्स खा कर रहे थे, अब हेल्दी डाइट प्रोटीन डाइट सर जिम के बाद लेने वाले हैं। तो सर सी यू देन इन द ऑफिस। यस, ओके सर। तो अब सर के वर्कआउट के बाद, जैसे हमने देखा अभी सर ने जिमिंग किया, ये सब किया, तो उसके बाद अब हम आ चुके हैं अनअकैडमी इंद्रप्रस्थ सेंटर पे, जहाँ पे सर क्लासेस लेंगे। हो सकता है सर बस आने में ही होंगे, मैं उनका वेट ही कर रही हूँ, जैसे ही वो आएंगे हम उनके साथ सीधा चलेंगे उनकी क्लास में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर आ चुके हैं, मुझे वो 0042 वाला नंबर दिख गया है, सर की क्लास, सर की कार आ चुकी है, अब सर सीधा चलेंगे क्लास में। तो हम उनका वेट कर लेते हैं उनके बाहर निकलने का। हेलो मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली वी आर हियर नाउ आपके वर्कआउट सेशन के बाद। सो आफ्टर योर वर्कआउट सेशन एंड योर हेल्दी डाइट, आई होप आपने अच्छे से रेस्ट कर लिया सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस मैम। सो यू आर नाउ ऑल सेट, ऑल रेडी टू स्टार्ट माय डे एट अनअकैडमी। यस, टू स्टार्ट योर डे एट अनअकैडमी। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स योर क्लास और मेबी केबिन। केबिन केबिन केबिन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द केबिन। ओके करेक्ट, ठीक है, पहले तो पंच इन करना पड़ता है। ओके सर, नीड्स टू वर्क डिलीजेंट एम्प्लॉई। सर की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। यस, अटेंडेंस मार्क। वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द केबिन। करेक्ट। तो आज की सर आपकी पहली क्लास कितने बजे होगी? आज मेरी क्लास मतलब मेरी सारी क्लासेस सेकंड हाफ में होती है। सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में आई कीप टू मीट पेरेंट्स, टीचर्स से जिनसे मुलाकात होनी होती है। हाँ जी। और जो मेरे ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। हाँ, वो सब सुबह होती है, फर्स्ट हाफ वो सुबह होती है। तो आज के लिए कोई प्लान है सर अभी एज ऑफ नाउ? हाँ, बस अभी 11:30 बजे एक मीटिंग प्लान है। 11:30 एक मीटिंग प्लान है, तो बस हम आपको सर आपके केबिन तक छोड़ देंगे। हाँ। एंड उसके बाद आप अपनी मीटिंग्स, अपनी प्लानिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, राइट करेक्ट, देन हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। करेक्ट करेक्ट, ओके। सो लेट्स गो टुवर्ड्स हिज केबिन। यस, this is my cabin, this is my karm bhumi. Your karm bhumi, exactly. Yes. हमने अभी students learners की karm bhumi के बारे में भी जाना था, like you know we say classes students learners की karm bhumi थी, so your karm bhumi is here. This is my karm bhumi. Okay. Yes. And ma'am is she is the subject matter expert. Okay. And she takes care of like all the presentations which I make, all the study material which I make. So, सब चीज़ें मैम ही प्लान करती हूँ। सो बेसिकली शी टेक्स केयर ऑफ माई शेड्यूल एंड एवरीथिंग। ओके, सो शी विल बी टेलिंग यू अबाउट आज कितनी मीटिंग्स है, अब आपके अब क्या क्या करने वाले हैं, क्या शेड्यूल रहेगा। ओके सो मैम ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन सर्स यू नो डे। ओके सो अभी सर हम चलते हैं एंड अब हमसे मिलेंगे आपकी क्लास में, क्योंकि इसके बाद शायद आपकी क्लास ही होगी। यस, राइट। तो अभी आप प्लानिंग कर लीजिए, पूरी मीटिंग्स कर लीजिए अटेंड, देन वी विल कैच यू इन द क्लास। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अब हम चलेंगे पीजे सर की क्लास में और देखेंगे कि पीजे सर क्लास में कैसे रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं लर्नर से खुद। तुम्हें क्या करना है? तीन से डिवाइड करना है।
Yes, ma'am. Hello, sir. Hello, so, ma'am. I hope I'm not disturbing you, sir. नहीं मैम, बस क्लास चल रही है. अच्छा, तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक दो क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ लर्नर्स से. श्योर श्योर, गो अहेड प्लीज. ओके, सो हु वांट्स टू आंसर? अच्छा, आज प्रशांत सर ने क्या पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक पढ़ाया? सेक्शन फॉर्मूला. समझ आ गया सबको? कैसे पढ़ाते हैं प्रशांत सर क्लास में? कितना शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार. अच्छा, ऐसी कोई चीज जो प्रशांत सर क्लास में सबसे ज्यादा बोलते हैं? चमका क्या? अच्छा, ये सारी चीजें सर बोलते हैं. एंड उसके अलावा कैसा नेचर, कैसा बिहेवियर रहता है सर का? आप अगर आपको डाउट पूछने हो तो आप जब अच्छा, और आप जब डाउट पूछने जाते हैं तो सर डाउट बता देते हैं या फिर मना कर देते हैं उस टाइम? अच्छे से बता पाते हैं उनको, सारे क्वेश्चन आते हैं? अच्छा, तो इसी बात पे क्या दोबारा बोलना है कुछ किसी को? AIR 42, सर आपके स्टूडेंट्स को भी बता दें, AIR 42. आई होप, आई एम श्योर कि ऐसी AIR 42 जैसी रैंक लाने के लिए यही सारे स्टूडेंट्स भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं. बिल्कुल, तो इसी बात पर क्यों ना हम अप्लॉज, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पीजी सर. तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस. थैंक यू, वी गॉट टू नो कि आप क्लास में भी कैसे रहते हैं. हमने लर्नर से भी जाना कि आपके लिए लर्नर्स क्या सोचते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. तो चलिए सर, आपको मिलते हैं बाहर क्लास के बाहर. तो अब सर की क्लास खत्म हो चुकी है एंड अब सर आ रहे हैं डाउट बताने. ये जो मेरे पीछे भीड़ आ रही है, ये सब पूछेंगे प्रशांत सर से. पीछे सर से डाउट. जैसा अभी आपने देखा कि उस टाइम तो सर को, पीजे सर को ना सारे स्टूडेंट्स ने घेर लिया था. स्टूडेंट्स इतना डाउट पूछने आ गए थे कि मैं खुद इतनी मुश्किल से पूरी भीड़ में से निकल के बाहर आई हूँ. तो अब मैं सीधा उनके कैबिन में ही जाके उनसे बात करूंगा और आगे के क्वेश्चंस जो मैंने उनके लिए फ्रेम किए थे वो आज मैं अभी उनसे पूछने वाली हूँ. हेलो मैम. हेलो सर. यस मैम, बस जाने की तैयारी हो रही थी. ओके सर, तो आप पता है उस टाइम तो इतने सारे बच्चों ने आपको घेर लिया था. हाँ. इतने सारे स्टूडेंट्स, तो उस टाइम तो मैं खुद ही इतनी मुश्किल से बाहर निकल के आई हूँ कि मुझे और बात आपसे करनी थी. और एक और चीज़ जो आपने सर मुझे बताई थी कि आप जनरली लास्ट पर्सन है, तो वो हम सच्चाई भी थोड़ा चेक करने आ गए थे. हाँ. लेकिन अभी हमने देखा कि पूरा ऑफिस लिटरली खाली हो चुका है एंड यू आर सच में लास्ट पर्सन जो ऑफिस से बाहर जाएंगे. सच अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. सो सर, लेकिन अब हम चल तो रहे हैं, ठीक है, अब जा रहे हैं घर. बट कुछ क्वेश्चन थे जो मैं उस टाइम पूछना चाह रही थी. तो बच्चे इतने सारे थे ना सर कि मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं पाई. तो सर कैसा रहा आपका दिन? दिन बहुत मतलब अच्छा था. जिस दिन के अंदर मतलब बच्चे और टीचर का इंटरेक्शन हो जाता है वो दिन अच्छा ही होता है. अरे कितनी अच्छी बात बोली सर ने, बीइंग एन एजुकेटर उनको सबसे अच्छा दिन वो लगा जहाँ उनके साथ यू नो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हुआ. तो सर इसके अलावा अच्छा एक और बात बता दीजिए कि आपने कितने स्टूडेंट्स का डांटा? डांट भी तो लगाते होंगे ना सर? हाँ, मैं जनरली डांटता तो हूँ बट आज मैंने थोड़ा सा केयरफुल रहना है. मतलब मेरे हिसाब से मैंने दो बच्चों को डांटा आज, होमवर्क नहीं करके लेके आए थे तो अच्छा. इस वजह से दो बच्चों को डांटा. फिर तो डांट बनती भी है सर, लेकिन होमवर्क नहीं करेंगे बच्चे तो. क्योंकि आपने पहले भी बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली प्रैक्टिस करें एंड बीइंग द मैथ्स टीचर, तो ये आप चाहेंगे कि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे रोज़ उसको प्रैक्टिस करें, तभी तो वो उतना यू नो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर. करेक्ट. तो सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी आज की लर्निंग क्या रही? व्हाट वाज योर लर्निंग ऑफ द डे? आज की जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी ना, वो मतलब ऑब्वियसली मैथमेटिक्स रिलेटेड थी. आज एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है सेक्शन फार्मूला, उसके अंदर हम लोगों ने रियल लाइफ से कनेक्ट करके मिल्क एंड वाटर का एग्जांपल लेकर उसको समझा. सो बच्चों को बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आई. तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पर. Yeah, so true, sir. So this is a good learning for all of us, right? And sir, इसके अलावा ऐसा कोई biggest मतलब किस्सा रहा हो आज के दिन आपका, या फिर ऐसा कुछ moment जो ना पहले हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब आज मतलब actually क्या है ना कि आज जैसे मैंने observe किया कि जो offline classes थी
उसमें बच्चे somehow आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे. उसका रीज़न यही था कि जब वो वाले एग्जाम्पल्स यूज़ हुए ना, वाटर, मिल्क और इन सब चीज़ें, तो बच्चों की जो क्लास थी वो बहुत इंटरेक्टिव हो गई. जनरली ये चीज़ फिजिक्स में देखने को मिलती है, मैथमेटिक्स में इतनी देखने को नहीं मिलती. सो इस वजह से ये चीज़ थी जो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई. सो गाइस, अगेन हमें एक अच्छी चीज़ सर से जानने को मिली है दैट रियल लाइफ एग्जांपल से भी बच्चों को और काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडेबल यू नो कॉन्सेप्ट रहा जो सर ने टॉपिक आज पढ़ाया, सेक्शन फॉर्मूला. करेक्ट. एंड इसके अलावा सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सो लास्ट में मैं यही बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिस भी तरीके से पढ़ाई करते हो, मेन सबसे ज़्यादा जो रहता है ना वो यही रहता है कि आप लोग टीचर्स को फॉलो करो. टीचर्स को जो फॉलो कर पाया है ना, जो करता है वो ही आगे जाके सक्सीड करता है. और ये एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम है. IIT JEE एक बहुत डिफरेंट, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, इट इज़ अ डिफरेंट एग्ज़ाम. और इस डिफरेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए डिफरेंट टेक्टिक्स रिक्वायर्ड होती हैं. और सबसे डिफरेंट टेक्टिक यही है कि अपने टीचर्स को फॉलो करो. आपके सारे जो टीचर्स हैं वो खुद IITians हैं, मैं खुद IIT से हूँ, आप वही रैंक लाना चाहते हो जो मेरी आ चुकी है. तो मेरे पास तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस चीज़ का. उस एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज करो और फिर इवेंचुअली आपका बहुत बढ़िया रहेगा. ठीक है, लेट्स क्रैक इट. बेस्ट एडवाइस ऑफ द डे फ्रॉम नन अदर देन PJ सर, दैट फॉलो योर मेंटर, फॉलो योर एजुकेटर एंड यू विल क्रैक इट. तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं. आपको क्या लगा, कैसा रहता है सर का, आपको कैसी मोटिवेशन मिलती है सर के शेड्यूल को जानकर, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड इसके साथ एंड करते हैं सर वीडियो. थैंक यू सो मच. लेट्स क्रैक इट. लेट्स क्रैक इट.